हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा फिल्म वैनगार्ड के रिव्यू के बारे में। वैनगार्ड ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसे 30 सितंबर को रिलीज किया गया था। फिल्म को डायरेक्ट किया है स्टैनली टोंग ने और फिल्म की कास्ट में है एक्टर जैकी चैन, मिया मूकी, यांग यांग एंड जैक्सन लॉ। कहानी फोकस करती है वैनगार्ड नाम की एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंपनी पर जिसके हेड हैं टैंग हाउंटिंग और ये कंपनी वीआईपी लोगों को प्रोटेक्ट करती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब चीन काउली नाम के एक बिजनेसमैन और उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया जाता है। जिन्हें बचाने का काम वैनगार्ड कंपनी का है, तो क्या टैंग हाउंटिंग और उनकी टीम चीन काउली और उनकी वाइफ को बचा पाते हैं या नहीं और उन्हें इस मिशन में किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ये जानने के लिए तो आपको इस फिल्म को ही देखना होगा जिसका नाम है वैनगार्ड। तो फ्रेंड्स, फिल्म का प्लॉट पुराना और सिंपल है और प्रिडिक्टेबल भी। देखा जाए तो स्टोरी वाइज ये फिल्म हमें कुछ भी नया ऑफर नहीं करती और अगर फिल्म में जैकी चैन सर ना हो तो ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ एक टाइम वेस्ट फिल्म है जिसे देखकर मुझे नहीं लगता कि आपको अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। पर जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म में जैकी चैन सर ना होते तो, पर फिल्म में जैकी चैन सर हैं जिनके होने से ही ये फिल्म एक अच्छी टाइम पास फिल्म बनती है जिसे आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। बात करूं डायरेक्शन की तो फिल्म को डायरेक्ट किया है स्टैनली टोंग ने जिन्होंने जैकी चैन सर के साथ मिलकर कई सारी अच्छी तो कई सारी बेकार फिल्में बनाई हैं, जैसे द मीट, CZ12, कुंग फू योगा, रंबल इन द ब्रॉक्स एंड वन ऑफ द माय फेवरेट पुलिस स्टोरी 3 सुपर कॉप। जिनमें से रंबल इन द ब्रॉक्स और पुलिस स्टोरी 3 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी फिल्में एवरेज हैं। और वैनगार्ड भी उन्हीं फिल्मों में से एक है जिसका प्लॉट पुराना है पर फिल्म का डायरेक्शन लाजवाब है। जी हाँ फ्रेंड्स, फिल्म का डायरेक्शन लाजवाब है क्योंकि फिल्म को कई सारी अलग अलग कंट्रीज में शूट किया गया है जिसके चलते फिल्म में लोकेशन से लेकर कॉस्ट्यूम तक सब कुछ काफी ज्यादा बढ़िया है। बात करूँ एक्शन की तो फिल्म में पूरा फोकस एक्शन पर ही किया गया है और फिल्म में एक्शन सीन्स कई सारे हैं, फिर चाहे वो स्टंट्स हो, कार चेजिंग सीन हो या हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट सीन ही क्यों ना हो, सभी को काफी अच्छे तरीके से शूट किया गया है जो फिल्म में देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। बात करूँ एक्टिंग की तो नो डाउट फिल्म में जैकी चैन सर की एक्टिंग ही सबसे ज्यादा बढ़िया है और हर बार की तरह ही इस फिल्म में भी वो हमें पूरी तरीके से इम्प्रेस करते हैं और जब जब वो स्क्रीन पर होते हैं तो बाकी एक्टर्स को छोड़कर हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उन पर ही होता है। बात करूँ बाकी एक्टर्स की तो उन सभी का काम भी फिल्म में अच्छा है। बात करूँ कैरेक्टर्स डेवलपमेंट की तो उसमें ये फिल्म एवरेज है क्योंकि कैरेक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान में रखकर लिखा गया है कि आपको ये कैरेक्टर्स फिल्म में पसंद आए, जो कि आते भी हैं, पर फिल्म में हम किसी भी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाते और ये भी फिल्म का एक वीक पॉइंट है। वहीं बात करूँ BGM की तो वो फिल्म के हिसाब से अच्छा है और बात करूँ एडिटिंग की तो फिल्म सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे और 40 मिनट की है पर उसमें भी ये फिल्म हमें बीच बीच में थोड़ा बहुत बोर तो करती है। तो ओवरऑल मेरी नज़र में ये एक ठीक ठाक सी टाइम पास फिल्म है जिसे आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, पर अगर आप जैकी चैन सर के फैन हैं तो आपको ये फिल्म एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। फिल्म वैनगार्ड को मैं दूंगा 3 स्टार्स। तो फ्रेंड्स, ये था फिल्म वैनगार्ड को लेकर मेरा रिव्यू। पर अगर आपने ये फिल्म पहले से ही देख रखी है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।